ধাওয়া দিয়েছে আনসাররা এবং কয়েকজন শিক্ষার্থী কিন্তু আহত হয়েছে। আমাদের আনসার বাহিনী গুলি করতেছে, ছাত্রদের মতো যারা আছে শেখ হাসিনার বেতার তো এখন বাঁচা আছে বাংলাদেশে, ওদেরকে যে কোনো মূল্যে প্রত্যাহিত করতে হবে। আমাদের আমরা চাই দেশকে বাঁচাতে, আবার লাগি লাগছি লাগলে আবার রক্ত দিব সবাই সরকারে, আমরা চাই না এই লাঠি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, जहां पर कल रात को वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आग जो शेख हसीना के जाने के बाद धीरे धीरे करके बंद होती हुई नजर आ रही थी वो फिर से भड़क गई है। और इस बार ये स्टूडेंट्स, अलेजेड स्टूडेंट्स और मोहम्मद यूनुस की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों के बीच में लगी है। यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समय पर बांग्लादेश की सड़कों पर निकल आए थे और उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड शेख हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे। उसके चलते शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया था और वो हाल में भारत में है। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस, जो कि एक नोबेल लॉरिएट हैं, जिसको यूएस के साइड से बहुत ज्यादा बैकिंग और एंडोर्समेंट समय दर समय मिलता आ रहा था, उसको वहां पर गद्दी पर बिठाया गया और गवर्नमेंट में इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर उसको वहां पर स्थापित किया गया। उसके बाद ये जो वहां पर दंगों की परिस्थितियां थी वो धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन कल रात फिर से स्टूडेंट्स ने रास्ते पर निकलकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और वो भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। शेख हसीना के समय में जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, जो लोग इन्वॉल्व थे, उसमें 5 सेपरेट पार्टीज का हम लोग उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें एक थी शेख हसीना लेड आवामी पार्टी, दूसरी थी बीएनपी जो कि खालिदा जिया लेड थी, तीसरी थी बांग्लादेश की आर्मी, चौथे थे ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट वाले जिसको हसनत अब्दुल्ला लीड कर रहा था, और पांचवे थे जमात इस्लामी के लोग। बाद में शेख हसीना के रिजाइन करने के बाद और जब मोहम्मद यूनुस को वहां पर स्थापित कर दिया गया, उसके बाद से ये सब प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके शांत हो रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं पर हमले कम हो रहे थे या कम होते जा रहे थे, जी नहीं, हिंदुओं पर हमले तब भी चालू थे, अभी भी चालू हैं। लेकिन इन सभी के बीच में फिर से एक बार कल रात को स्टूडेंट्स रास्ते पर उतर आए ढाका के, और उन लोगों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया है। अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें एक तरफ है स्टूडेंट्स जो कि हसनत अब्दुल्ला की लीड में प्रोटेस्ट करते हुए रास्ते पर उतर आए हैं, दूसरी तरफ है मोहम्मद यूनुस और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरी जो नई पार्टी इन्वॉल्व हुई है इन दंगों में वो है अंसार वीडीपी। अब ये अंसार वीडीपी क्या है? तो वीडीपी इज बेसिकली विलेज डिफेंस पार्टी। जिस तरह से भारत में, खास करके जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में और कुछ अन्य बॉर्डर के इलाकों में VDCs डेवलप की गई हैं, जो कि विलेज डिफेंस कमिटी के तौर पर जानी जाती थी, जिसको अब विलेज डिफेंस फोर्सेस यानी कि VDF के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से बांग्लादेश चितगांव के एरिया में और साउथ वेस्टर्न रीजन में एक तरफ इन्वेजन को रोकने के लिए, इलीगल घुसपैठ को रोकने के लिए और दूसरी तरफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाने के लिए इन लोगों को ट्रेन किया गया था, और इनकी जो संख्या है वो तकरीबन 6 मिलियन की बताई जा रही है। तो उसमें से कई सारे VDPs को यहां पर हम लोग देख सकते हैं रास्ते पर, जहां पर वे लोग इन स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बाय फोर्स, और उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को मारा भी जा रहा है, कई सारे स्टूडेंट्स को डिटेन भी किया जा रहा है। तो इसी के चलते बांग्लादेश में आग फिर से लगना शुरू हो गई है, कू के ऊपर दूसरा कू शुरू हो गया है, और ये हुआ है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरफ ये प्रोटेस्ट जाते हैं, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। संभवतः मोहम्मद यूनुस को भी वहां से हटाया जाएगा। अगर US इंटरफियर करता है तो ये आग और भी भड़कने वाली है। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। তাদেরকে অস্ত্র নিয়ে হামলা করেছে। আমাদেরকে সকাল থেকে ঘিরে রেখেছে, আমাদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছে সকাল থেকে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। এই যে আনসার সদস্যরা, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র আহত হয়েছে, এই যে দেখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব স্টুডেন্ট এই যে ওরা ছাত্রদের উপরে অ্যাটাক করার জন্য কোনটা। Hey, I'm my dog!
আমি মারে ফেলবো, আমার বাইরে চল, আমার বাইরে চল, আমার বাইরে চল, আমার বাইরে চল, আমার বাইরে চল।